हेलो दोस्तों, मेरा नाम अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अब्बास रॉयल फाइव। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वॉलीबॉल का परफेक्ट ब्लॉकिंग और उसके लेग पोजीशंस। ओके, यहाँ पे कई लोग को लेग पोजीशन नहीं पता है और ब्लॉकिंग करते समय किस प्रकार लैंडिंग होना है। स्पेशली मैं इस वीडियो को कर रहा हूँ, कई लोगों के रिक्वेस्ट के साथ हम ये वीडियो कर रहे हैं। ओके, चलो लेट्स गो। ओके, अभी दिखाऊंगा मैं आपको ब्लॉकिंग को किस प्रकार लेग्स स्टेप्स होना चाहिए, स्टेपिंग कैसा होना है और ब्लॉकिंग का पोस्चर किस प्रकार होना चाहिए आपको मैं दिखाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, यहाँ पे देखिए, लेग्स शोल्डर विथ होना चाहिए टुवर्ड्स राइट टू द शोल्डर्स और नीज़ को 90 डिग्रीज बेंड करना चाहिए। यहाँ पे नीज़ को 90 डिग्रीज बेंड, शोल्डर्स स्ट्राइट और यहाँ पे हैंड्स को शोल्डर विथ पे रहना चाहिए और बेंड और जंप। ओके, यहाँ पे पोजीशन 1, 1, 2 एंड 3। ओके, यहाँ पे थर्ड वन देखिए, लेग्स को फॉरवर्ड 30 डिग्री सामने करना चाहिए। ओके, देखिए 1, 2 एंड 3 लेग्स 90 डिग्रीज 2 एंड 3। यहाँ पे सेकंड ड्रिल होता है बॉल को गेस करना और फोकस करना। यहाँ पे देखिए, अगर आपको नेट के ऊपर जाने के बाद बॉल को गेस करना चाहते हो तो पहले ये ड्रिल करना चाहिए। बॉल को पहले एज्यूम कीजिए आप नेट के ऊपर हो। ओके, देख के बॉल को प्रेस करना चाहिए, ये ड्रिल, बॉल के ऊपर से स्ट्रोक नीचे। ओके, सेकंड वन, ट्रैवलिंग बॉल उसको गेस करके डाउन करना चाहिए, यानी यहाँ पे देखिए टुवर्ड्स राइट डाउन, देखिए ट्रैवलिंग बॉल डाउन, ट्रैवलिंग बॉल को डाउन करना चाहिए। ओके, सेल्फ ड्रिल्स करने के लिए इस प्रकार के ड्रिल्स वेरी इंपॉर्टेंट है। जो लोग को सेल्फ अपने आप ड्रिल्स करना चाहते हो तो देखिए ये ड्रिल इजी है, ट्रैवल बॉल और ब्लॉक डाउन। इस प्रकार करने से आपको बॉल नेट के ऊपर गेस करके डाउन करना इजी हो जाएगा। ओके, थर्ड ड्रिल, बॉल को ऊपर गेस करके डाउन करते समय हमको पोजीशन देखना चाहिए। हैंड्स है ना, यहाँ पे सभी ऐसे ऊपर से डाउन कर लेते हैं, इसीलिए परफेक्शन के लिए अगर बॉल आपके टुवर्ड्स राइट हो तो यहाँ पे हैंड देखिए, हैंड्स को टुवर्ड्स इनवर्ड करना चाहिए और इसको स्ट्रेट उसके फेस की तरफ रख के डाउन। ओके, यहाँ पे देखिए, अगर एंटीना यहाँ पे है तो हमको इधर से पूरा क्लोज करना चाहिए बॉल को और हैंड को डायरेक्ट स्ट्राइट करना चाहिए, दूसरा हैंड, लेफ्ट हैंड। ओके, डाउन। ओके, अभी देखिए, नेट के आप फोर जोन, उधर फोर जोन है और आपका टू जोन है। यहाँ पे टू जोन के समय यहाँ पे एंटीना है, देखिए एंटीना के समय वो टच आउट बॉल मारने के लिए 100% चांसेस होते हैं, इसीलिए आपको ब्लॉकिंग करते समय जंप एंड हैंड को टुवर्ड्स इनवर्ड करना चाहिए और दूसरा हैंड को स्ट्रेट रखना चाहिए और डाउन। ओके, इस प्रकार करने से आपको राइट साइड का ब्लॉक ईजी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड ब्लॉक, और हमको ब्लॉकिंग करना है लेफ्ट साइड को टुवर्ड्स आउट, टच आउट नहीं होने के लिए हैंड को अंदर ले लेना चाहिए, हाथ हैंड को अंदर लेना चाहिए और राइट हैंड को स्ट्राइट रखना चाहिए। ओके, राइट हैंड स्ट्राइट और लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स इनवर्ड, इस प्रकार करने से बॉल उसके कोर्ट में अंदर गिर जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पे ड्रिल, ओके, नेक्स्ट वन, यहाँ पे देखिए सभी लोग एक ही मिस्टेक करते हैं, ब्लॉकिंग करते समय जंप और हैंड्स को टुवर्ड्स साइड निकालते हैं, साइड निकालने से जो बगल में प्लेयर होता है वो इंज्योर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ब्लॉक करते समय हैंड्स को स्ट्राइट जाएंगे और ऐसे ही नीचे उतरना चाहिए। ओके, स्ट्राइट और डाउन। ओके, इस प्रकार करने से आपका प्लेयर इंज्योर नहीं होगा। अगर आप साइडवर्ड लिए और ऐसे साइडवर्ड करने से क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम जो बाजू में बगल में हो जाएगा ना प्लेयर, उसका इंजरी हो जाएगा, इसीलिए साइडवर्ड टर्न एंड ब्लॉक। यहाँ पे देखें, परफेक्टली शोल्डर लेवल में मैं नीचे उतार लिया। ओके, इस प्रकार करना चाहिए। ओके, अभी आपको दिखाऊंगा मैं लेग स्टेप्स। सिंगल ब्लॉकिंग के लिए स्टेप्स तो सिंगल सेम होता है, सेम सिंगल ब्लॉक,
और साइड ब्लॉक को मिलाने के समय ऐसे करना चाहिए, साइड टर्न एंड ब्लॉक, साइड टर्न एंड ब्लॉक। यहाँ पे देखिए लेग्स क्रॉस, यहाँ पे हील को रखना चाहिए और ब्लॉक, साइड हील ब्लॉक, साइड हील ब्लॉक। ओके, इस प्रकार करने से आप जो साइड के प्लेयर हैं उनके ऊपर जाके नहीं गिरेंगे। ओके दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको किसी प्रकार के डाउट्स हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो।